नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जो जैसा व्यवहार करे उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार और भारतीय सेना कुछ ऐसा ही करने जा रही है। भारत सरकार अपनी कुछ ऐसी इच्छा शक्ति दिखाने जा रही है जिससे भारत की जो आर्मी है उसका कुछ ऐसा कारनामा होने जा रहा है कि जिससे चीन में हड़कंप मचने वाला है। आइए समझते हैं कि पूरी न्यूज है क्या, पूरी ये खबर क्या है जिससे चीन में ये हड़कंप मच जाएगा। दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा कि चीन अरुणाचल प्रदेश को, वहाँ के कुछ हिस्सों को वो अपनी जगह मानता है कि ये हमारा है, ये भारत का नहीं है। इसकी वजह से ये अरुणाचल प्रदेश से जो जुड़ी हुई जगहें हैं वहाँ पर वो अपने कुछ नए नए नाम देता रहता है। जैसा कि अभी पिछले 7 सालों में देखा गया है कि चीन ने 7 बार वहाँ के स्थानों के नाम को बदला है। जैसे अभी लेटेस्ट जो बदला था ये अप्रैल 2023 में बदला था, उसमें करीब उसने 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। ऐसे ही 2021 में 15 जगह के नाम बदल दिए थे, 2017 में ऐसे ही बदल दिए थे 6 जगहों के नाम। तो ये चीन ऐसी हरकतें करता रहता है। अच्छा, वो ऐसी हरकतें करता है लेकिन भारत सरकार इग्नोर करती थी, वो ऐसा कभी इसको जवाब नहीं देती थी, ना ही भारतीय सेना उसका जवाब देती थी। लेकिन अब भारतीय सेना और सरकार दोनों ही अटैकिंग मोड पर हैं, बिल्कुल इन्होंने जवाब देने की ठानी और अब ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि इससे चीन को परेशानी हो जाएगी। दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है इसमें जो सेना की तरफ से जो टीम, जो डिवीजन इसको देखती है, उसने कुछ रिसर्च करी और रिसर्च करी उसने तिब्बत के इलाकों की और उसको देखा कि इसका क्या नाम है उन जगहों का। तो भारतीय सेना ने पाया कि उसकी 30 ऐसी जगह हैं जिसका नाम वो बदलने जा रही है, वो भारत की पुरानी जो भाषा है उसके आधार पर वो नाम ढूंढ निकाले भारतीय सेना ने, और अब वो 30 जगहों के नाम बदलने जा रही है। अच्छा, ये सेना ने तो कर दिखाया, अब इसमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी पूरी सरकार की तरफ से। तो भारत की सरकार ने वो इच्छा शक्ति भी दिखाई और इच्छा शक्ति दिखाने के साथ ही साथ अब ये समझ लीजिए कि जो LAC है वहाँ पर एक नया मैप जारी होने वाला है और उस नए मैप में तिब्बत के उन 30 स्थानों के नाम भी दिए जाएंगे जो नए नाम होंगे। तो ये चीन को बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जा रहा है जैसा वो भारत के साथ करता है, मतलब टिट फॉर टिट, जो जैसा है उसको वैसा ही जवाब दिया जाने जा रहा है। दोस्तों, इससे चीन को भी समझ में आ जाएगा कि अब ये भारत देश जो है ये पहले वाला भारत देश नहीं है, ये आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही जवाब देगा। अब चीन को सोचिए, हम लोगों ने कई तरीके से घेरना स्टार्ट करा, ये तो एक न्यूज हो गई। ऐसे ही दोस्तों एक दूसरी न्यूज और है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में, आज की ही न्यूज है कि बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा समझ लीजिए कि न्यूक्लियर सबमरीन जो होती हैं पनडुब्बी, इसको प्लॉट यानी कि इसको वहाँ पे स्टोर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्थान, मतलब पानी के अंदर इनको डॉक कर दिया जाएगा, वो सारी सबमरीन वहाँ पे रहेंगे, एक स्टेशन बना दिया जाएगा ऐसा समझ लिए, न्यूक्लियर सबमरीन वो करीब 12 की संख्या में वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगी। और जब भी कभी वॉर वगैरह होगा तो ये समझ लीजिए कि वो सबमरीन एक बार वो पानी के बिल्कुल अंदर जाएंगी और वो पता नहीं लगेगा कि वो किधर निकल गई। अगर वो समझ लीजिए कि चीन के साइड से हमला होगा तो वो उधर मूव कर जाएंगी, या जिस साइड से भी हमको जहाँ हमला करना होगा वहाँ वो हमारी सबमरीन चली जाएंगी। सोचिए, हालांकि अभी हमारे पास 12 सबमरीन हैं भी नहीं, लेकिन हमने उनकी रखने की जगह 12 की बनाई है वहाँ पर, एक अभी डेवलपमेंट अच्छी है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे 2010 से कि हम कुछ ऐसा डेवलप करेंगे, लेकिन हमारे पास बजट इतना था नहीं तो हम डेवलप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने ठान लिया कि हमको ये करना है
और उसने इसकी शुरुआत कर दी है। ये जो नई गवर्नमेंट है इसी ने शुरुआत करी है, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि अब कम से कम दुश्मन एक बार हमारे ऊपर हमला करने से पहले सोचेगा, क्योंकि अब उसको ये नहीं पता है कि अब उसके ऊपर अटैक कहाँ से हो जाएगा। अगर हमें पता होगा कि अटैक कहाँ से होने वाला है तो उसको हम एक बार रोक सकते हैं। अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट अच्छे ले लें तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं हो कि किधर से अटैक हो सकता है तो हम डिफेंस इक्विपमेंट चाहे कितने भी अच्छे हों हम किधर लगाएंगे, एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। तो अब वो जब सबमरीन हमारी पानी के अंदर जाएगी तो उसको फिर उसके बाद ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होगा कि ये किधर गई और किधर से अटैक करेगी, क्योंकि वो सबमरीन जो हैं एक एक महीने तक पानी के अंदर रह जाती हैं। तो ये भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है, अभी ये भारत की सुरक्षा इससे बहुत बढ़ जाएगी। कोई भी देश अटैक करने से पहले कई बार सोचेगा कि ऐसा करें कि ना करें। चीन जैसे देश के, अगर हमारा पड़ोसी चीन जैसा देश है तो हमें बहुत ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पाकिस्तान से तो लड़ लोगे, पाकिस्तान के पास उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन चीन एक मजबूत कंट्री है तो उसके साथ तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए जिससे उस चीन को भी खौफ आए कि ऐसा भारत के साथ कुछ करें या ना करें। क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो उसको चीन को भुगतना भी वैसा ही पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ अपडेटेड न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।